नमस्कार। 20 अक्टूबर 2021 को वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। एक मान्यता के अनुसार वाल्मीकि भृगु गोत्र में प्रचेता या सुमाली के बेटे थे। जहां तक वाल्मीकि के मूल नाम का सवाल है, किसी कहानी के मुताबिक रत्नाकर था तो किसी कहानी के अनुसार लोग जंग या अग्निशर्मा। किसी परंपरा में वाल्मीकि ब्राह्मण कुल के थे और किसी में निचली जाति के। खैर, ऋषि व महाऋषि, कवि व आदि कवि, संस्कृत साहित्य व काव्य का जन्मदाता, संत, विद्वान आदि कतिपय रूपों में वाल्मीकि की अहम ख्याति है। वाल्मीकि जयंती को मनाते हुए लोग वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। आपके जीवन की कहानियों पर बनी झांकियों को लेकर जुलूस भी निकाला जाता है। लोग इस दिन मिठाई, फल और पकवान भी बांटा करते हैं। भंडारा इस दिन का अहम हिस्सा है। भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम ही क्या, आजकल इस दिन सर्वधर्म सम्मेलन भी आयोजित किया जाता है। माना जाता है कि वाल्मीकि का पालन पोषण जंगल में रहने वाली भील जाति में हुआ था। आप एक डाकू थे और राहगीरों को लूटकर आजीविका कमाते थे। कहानी के अनुसार मुनि नारद को लूटने पर सवाल किया गया था कि वाल्मीकि के परिवारजन उनके गुनाह की सजा में शरीक होंगे या नहीं। परिवारजन के मना करने पर मुनि नारद की प्रेरणा से आपने बुरा काम छोड़ा। फिर तप, ध्यान और स्वाध्याय के साथ साथ संस्कृत भाषा भी सीखकर आप विद्वान और महर्षि बने। वाल्मीकि के नाम से जाना जाने वाला समुदाय दक्षिण भारत में बोया या बेदर नायक जाति से रहा और वे शिकार किया करते थे और योद्धा हुआ करते थे। पिछड़ी जाति में इस समुदाय की गिनती रही। उत्तर भारत में वाल्मीकि समुदाय भंगी जाति का है और अनुसूचित जाति में गिनाया जाता है। वे सफाई कर्मी के रूप में घोर हिंसा, शोषण और ऊंच नीच के भाव के शिकार रहे। आज भी इस समुदाय की हालत बहुत सुधरी हो ऐसा तो कतई नहीं है। इंसान के लायक व्यवहार व सम्मान पाने की दिशा में इन भाई बहनों की मंजिल अब कितना दूर है इसका अंदाजा लगाना बहुत मुमकिन नहीं लगता है। निचली जाति के संत माने जाने वाले वाल्मीकि ऋषि है, महर्षि भी। आप अपने आप में नैतिक मूल्यों का एक खजाना ही रहे। आप आदि कवि व संस्कृत के पहले श्लोककर्ता भी बने। आपने ही भारत को रामायण जैसा महाकाव्य दिया, जो कि भारत के एक बड़े समुदाय द्वारा धर्म ग्रंथ के रूप में माना जाता है। यह बात हकीकत में वाल्मीकि और उनके समुदाय के लिए गौरव की बात है। यह बात वाल्मीकि समुदाय के लोगों को जायज इज्जत दी जाए इसके लिए सबसे बड़ी वजह भी है। एक दिन की बात है, वाल्मीकि नदी के किनारे थे। वहां
आपने क्रौंच या सारस पक्षी के एक जोड़े को देखा। वे आपस में प्यार में लीन थे। इतने में एक बहेलिए ने तीर चलाकर उनमें से एक को मार डाला। नर पक्षी की मौत से तड़पती मादा पक्षी को देख वाल्मीकि का दिल दहक गया। वे इतने दर्द से भर गए कि सहज ही उनके मुंह से कविता फूटी। मान निषाद प्रतिष्ठां। दर्द भरी इस कविता का मतलब यह रहा, है दुष्ट, तुमने प्यार में लीन क्रौंच पक्षी को मार डाला है। जा, तुझे जीवन में कभी भी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, तुझे भी वियोग झेलना ही पड़ेगा। यह तो असल में लाजवाब है कि एक चिड़िए के लिए भी वाल्मीकि के दिल में इतनी तड़प रही। यही तो इंसान और संत की असली पहचान है। साथ ही आपकी बात जितनी कविता थी, ठीक उतना ऋषि का शाप भी रहा। शाप इसलिए था कि बहेलिए ने प्यार जैसी निजी पल में उस चिड़िए को मारा, जो कि क्रूर हरकत है। जाहिर है वाल्मीकि का यह शाप समाज में निर्दयी और क्रूर होकर औरों से नीच किस्म का या गिरा हुआ व्यवहार जो भी करता है उन सब पर लागू होता है। वाल्मीकि की यह उद्गार बस सबसे पहली कविता बनी, इसलिए वाल्मीकि आदि कवि के रूप में मशहूर हैं। यानि आप पहली कविता का रचयिता हैं, वह भी संस्कृत में। संस्कृत श्लोक के जन्मदाता के रूप में भी आप जाने जाते हैं। जाहिर तौर पर कविता साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें अपने दिल के भाव को बहुत असरदार तरीके से इजहार करने की गुंजाइश है। कविता कवि को असल में अमर बनाती है। बतौर आदि कवि के वाल्मीकि मूल्यों की एक बेमिसाल परंपरा ही बने हुए हैं, यही आपकी वरीयता है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण वाल्मीकि रामायण कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण धर्म ग्रंथ ना होकर सिर्फ महाकाव्य है। महाकाव्य के रूप में यह मूल्यों का एक बड़ा खजाना है। यह 24,000 श्लोकों की पोथी है। आपने इस पोथी में अनेक किरदारों का चित्रण किया है। इंसानी जीवन की सच्चाई, मर्यादा और अनुशासन की सीख देना वाल्मीकि रामायण का मकसद है। साथ ही मूल्यों को आधार मानकर जीवन बिताने की कला को पेश करने में वाल्मीकि बेहद अव्वल साबित हुए हैं। वाल्मीकि जयंती 2021 के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से मेरा यही प्रस्ताव है कि हम लोग महर्षि वाल्मीकि से प्रेरणा लेकर अपनी अपनी जिंदगी में बुरे और हे कर्मों से निजात पाएं, अच्छे कामों में लग जाएं और गरिमा के लायक इंसान बने। साथ ही जाति, काम, रंग आदि को लेकर इंसान इंसान में फर्क करना छोड़कर हर इंसान को इज्जत देना सीखें। इन शब्दों के साथ मैं वाल्मीकि समुदाय के अपने बहनों और भाइयों को खास तौर पर तथा वाल्मीकि रामायण से मूल्यों को ग्रहण कर जीवन बिताने वाले तमाम दोस्तों को
वाल्मीकि जयंती की ढेर सारी बधाइयां और मंगल कामनाएं पेश करता हूं। महर्षि वाल्मीकि की जय हो। धन्यवाद।